हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर चंद देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में आपकी जो यूनिट थर्ड है, जैसे मैंने फर्स्ट पेपर की थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कुछ पार्ट आपको समझाया था, उसे आगे नेक्स्ट आपको क्लासेज में समझाया जाएगा। और अब उसी हिसाब से आपके सेकेंड बुक से जो आपके है ग्रुप थ्योरी, उसका फर्स्ट टॉपिक है और यूनिट थर्ड है, जिसमें आपको दे रखा है ग्रुप एंड डायरेक्ट प्रॉपर्टीज। अब ये यूनिट थर्ड हो गई है, पहले यूनिट फर्स्ट थी, इसके साथ बुक्स दूसरी लगा रही। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले आता है आपने जो पूर्व कक्षा में आप पढ़ चुके हो, बाइनरी ऑपरेशन क्या है। यदि किसी सेट एस में द्विआधारी संक्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत एस के प्रत्येक अवयव एस के अद्वितीय अवयव से संबंध होता है, अर्थात स्टार समुच्चय एस में एक द्विआधारी संक्रिया है, जिसे स्टार देट एस बाई एस टेंस टू एस। अब जैसे एग्जाम्पल है पूर्णांकों का योग, व्युत्क्लन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, सेट जेड में एक द्विआधारी संक्रिया है। दूसरा है वास्तविक संख्याओं का सेट आर में जो है निम्न प्रकार अगर दे रखा हो तो ए प्लस बी बराबर ए बी फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए आपको और बी में आपको रिलेशन है, तो ये आर एक द्विआधारी संक्रिया है क्योंकि ए बी एलिमेंट है रियल नंबर का, बी बी रियल नंबर का है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी भी क्या होगा, रियल नंबर का एलिमेंट होगा। फिर आपके एग्जांपल मैंने छोटा लिए हैं कि परिमेय संख्याओं में सेट क्यू में स्टार जो कि निम्न प्रकार है, तो ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ये आपके आगे ट्वेल्थ में भी पढ़ा है और इसमें भी आएगा। जैसे ए बिलोंग्स टू क्यू है, बी बिलोंग्स टू क्यू है, तो ए बी बाई टू बिलोंग्स टू बी क्यू होगा, तो आपका ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू। ये अब इसमें आपका आता है सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप पढ़ चुके हो, इसको मैंने रिवीजन लिया है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव ऑपरेशन। किसी सेट एस में परिभाषित संक्रिया क्रमणी में संक्रिया कहलाती है, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू एस। जैसे पूर्णांकों का सेट जेड में योग व गुणन के लिए संक्रिया क्रमणी में है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, तथा ए बी बराबर बी ए फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू जेड। परिमेय संख्याओं में अगर लें तो ए स्टार बी बराबर ए बी स्टार ए होता है, और जैसे ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी है, तो बी प्लस ए माइनस बी ए, ये क्रम। फिर आपका आता है एसोसिएटिव ऑपरेशन। किसी एस में परिभाषित संक्रियाएँ स्टार एसोसिएटिव ऑपरेशन कहलाती है, यदि ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ऑफ ब्रैकेट बी स्टार ऑफ सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी। तो जैसे आपको इसमें परिमेय संख्याओं की ये जो एग्जांपल चल रहा है, ये आपके मेन क्वेश्चन भी है आगे, उसमें ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू है, ए बी बाई थ्री है, ए बी बाई फोर है, तो आपको क्या दे रखा है, जैसे ए स्टार बी। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो है एसोसिएटिव लॉ इसमें सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ये सहचारी है क्योंकि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है, तो ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, तो ए स्टार बी का मान अपने को दे रखा है क्वेश्चन में ए बी बाई टू, तो ए बी बाई टू स्टार सी, ए बी बाई टू को एक संख्या माननी है ए और इसको सी को मानना बी, इसमें फिर वही ऑपरेशन लगाना है, तो एक बटा दो ए बी सी बाई टू, तो आपका हो जाएगा ए बी सी बाई फोर। अब इसमें ए वाई वापस एक बटा दो बाहर ले लो ए और बी सी को अपने साथ, और इसमें ए स्टार ऑफ बी सी बाई टू, फिर बी सी बाई टू को लिखेंगे अपने ए स्टार ऑफ बी स्टार सी। इसका मतलब जो आपके ये संख्या लिया है परिमेय संख्या वाला, उसमें अपने ये साचर्य गुण का नियम को पालन करता है। फिर आपका आता है आइडेंटी एलिमेंट। अब आइडेंटी एलिमेंट जैसे आपने पढ़ा होगा कि सम एडिशन के लिए आइडेंटी एलिमेंट जीरो है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटी एलिमेंट वन है, तो यहाँ पे आपका आइडेंटी एलिमेंट में क्या होगा कि जैसे कोई सेट है तो उसमें एक द्विआधारी संक्रिया में एक आइडेंटी एलिमेंट ई से विद्यमान करेंगे या ई वन ले लेंगे, तो जैसे अपने ले लिया आइडेंटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो अब अपने पास क्या आएगा, वापस वही एलिमेंट आएगा, तो मान लिया हमने ई वन आइडेंटी एलिमेंट है तो उसको, और एलिमेंट है अपना ए, तो ई वन स्टार ऑफ ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, तो एस में ई वन संक्रिया द्विआधारी का एक वाम तस्मक है। इसी प्रकार अपने को लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट और राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो चाहे ए स्टार ऑफ ई कर दो चाहे ई स्टार ऑफ ए करो, हमेशा ए ही आएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट में चाहे आप किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दो चाहे राइट करो, वापस एलिमेंट ही प्राप्त होता है, तो ए स्टार ऑफ ई टू बराबर बी ए फॉर आल ए बिलोंग्स टू एस, अर्थात ई टू एस में एक
ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन में राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है। यदि एस में कोई एलिमेंट ई इवन संक्रिय स्टार का एक साथ वाम और लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो एस में एलिमेंट का दशमक उदासी नवे कहते हैं। जैसे ई स्टार ऑफ ए बराबर ए स्टार ऑफ ई बराबर बी ए होता है। इसका मतलब मैंने जो बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी में लेफ्ट मल्टीप्लाई कर लो चाहे राइट कर लो आप, तो आपको वापस वही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है ए एलिमेंट है, अब एडिशन लगाना है तो ए प्लस जीरो भी ए के बराबर आएगा और जीरो प्लस ए भी ए के बराबर आएगा। और अगर इसी को अपने मल्टीप्लाई में लें तो ए डॉट वन भी क्या आएगा, ए के बराबर आएगा और वन डॉट ए भी किसका आएगा, वन ए के बराबर आएगा। तो अब मैंने बताया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट में किसी एलिमेंट के साथ में लगाओगे तो वापस वही सेल्फ एलिमेंट प्राप्त होता है। अब जैसे यहाँ पे लिया कि पूर्णांकों के सेट जेड में जीरो तथा वन क्रमशः योग व गुणन संक्रियाओं के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि ए बिलोंग्स टू जेड। तो देखो यहाँ पे जीरो प्लस ए बराबर भी ए है और ए प्लस जीरो भी ए है और वन डॉट ए बराबर भी ए है और ए डॉट वन बराबर जो मैंने एग्जाम्पल पहले आपको बताया। अब आता है रेशनल नंबर के सेट क्यू में एक द्विआधारी संक्रिया जैसे ए स्टार वी बराबर ए बी बाई टू। अभी तो ये पार्ट्स में चल रहा है, बाद में आपको एक पूरा आएगा कि इसको ग्रुप में उपयुक्त कीजिए। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए अपने को पता है कि हमेशा क्या इस संक्रिया के लिए टू बिलोंग्स टू क्यू आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब टू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास ए बी बाई टू दे रखा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना जितना आपको डिवीजन में दे रखा है पी बटा क्यू में, क्यू का जितना मान दे रखा होगा वही अपने, तो हमने मान लिया टू स्टार ऑफ ए बराबर टू ए बाई टू ये आ गया। और ए स्टार ऑफ टू में भी करेंगे तो आपको इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया, टू आ गया। अब इसमें जैसे प्रमेय है, पहली यदि किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए वाम आइडेंटिटी और लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी विद्यमान हो तो वे बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना है कि मान लिया कोई एक स्टार सेट एस में एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें ई बिलोंग ई वन बिलोंग्स टू एस तथा ई टू बिलोंग्स टू एस क्रमशः लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो चूंकि एस में ईवन लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई टू कोई अवयव है, तो ईवन तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई टू कोई एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट और बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एलिमेंट इक्वल टू ई टू आ गया। इसको समीकरण एक मान लिया। इसी प्रकार अपने को वापस लेना है कि एस में ई टू तो राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है तथा ईवन कोई एलिमेंट है, तो ईवन स्टार ऑफ ई टू, इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट ईवन है तो आपका आएगा ईवन। बट इवन स्टार ऑफ ई टू सेट एस का यूनिक एलिमेंट है या अद्वितीय अवयव है, तो एक और दो से अपने देखेंगे कि इवन स्टार ऑफ ई टू भी ई टू आता है, ई टू स्टार ऑफ इवन भी आपके इवन के बराबर आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब इवन बराबर ई टू, इसका मतलब राइट आइडेंटिटी एलिमेंट और लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों बराबर होते हैं। फिर आपका होता है इसमें इन्वर्स एलिमेंट। तो ये जो मैं एलिमेंट ये बता रहा हूँ, ऑपरेशन बता रहा हूँ, ये आपके पूरा ग्रुप में आगे काम आना है। तो मान लिया कि स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट में एक कोई संक्रिया ई है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट इस एस के एलिमेंट के लिए एस हो, तो आपको और इसका इन्वर्स एलिमेंट हमने मान लिया बी, तो बी स्टार ऑफ ए बराबर ई, इसका अर्थात बी एलिमेंट ए का कोई एक प्रतिलोम अवयव होता है। जैसे यहाँ पे लिया अपने इंटीजर के लिए लेते हैं, तो जैसे एडिशन है तो एडिशन में जेड प्लस प्लस है तो उसका इन्वर्स हो गया माइनस ऑफ जेड। और अगर अपने जैसे अपने पॉजिटिव परिमेय संख्याओं के लिए क्यू प्लस आधारित है तो ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू, तो इसका आइडेंटिटी इन्वर्स एलिमेंट निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा इसका, तो फोर बटा ए स्टार ऑफ ए बराबर फोर बाई ए ए बाई टू, इसका मतलब ए। तो आपको पता है किसका अपने क्या माना था, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट टू माना था, तो इसका तो एलिमेंट और इसका इन्वर्स एलिमेंट का जो जिसमें ऑपरेशन लगेगा तो वो आपके इसके हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा। दूसरा यदि थ्योरम सेकंड है कि यदि किसी सेट एस में किसी संक्रिया के लिए लेफ्ट और राइट इन्वर्स एलिमेंट विद्यमान हो तो वो भी बराबर होते हैं। तो जैसे पहले आपने क्या लिया था, आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था लेफ्ट और राइट, अब इसी प्रकार इसमें है। तो माना स्टार सेट एस में एक द्विआधारी संक्रिया है जिसमें ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एस के एलिमेंट ए के लिए और बी वन बिलोंग्स टू एस इसका वाम और बी टू बिलोंग्स टू एम इसका लेफ्ट और राइट इन्वर्स एलिमेंट है। तो पहले अपने लिया था ई वन और ई टू वाले, इसमें बी वन और ए लेना है, तो बी वन ए का लेफ्ट इन्वर्स है तो बी वन स्टार ऑफ ए बराबर ई।
और बी टू ए का राइट इन्वर्स है, तो ए स्टार ऑफ बी टू बराबर भी ई। तो आप देखोगे राइट हैंड साइड दोनों की ई आ रहा है, क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट और एलिमेंट का मल्टीप्लाई जो भी ऑपरेशन होगा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आना है, ये रूल्स है। तो दोनों राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, अर्थात अपने बी वन स्टार ऑफ ए बराबर ई है, तो बी वन स्टार ऑफ ए स्टार ऑफ बी टू बराबर ई स्टार ऑफ बी टू, तो बी वन स्टार ऑफ ए स्टार ऑफ बी टू बराबर बी टू, तो आपके बी वन बराबर बी टू, इसका मतलब लेफ्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स भी बराबर होता है। अब इसके से बाद में आपके आता है सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉड्यूलो। अब मॉड्यूलो क्या है, यदि किसी सेट ए और बी में दो ऐसे इंटीजर हो कि ए माइनस बी एक पॉजिटिव इंटीजर एम में डिवीजर हो, तो इसे ए इक्वल बी मोड ऑफ एम से व्यक्त करते हैं, जैसे 9 इक्वल टू 4 मोड ऑफ 5 या माइनस 20 इक्वल टू 4 मोड ऑफ 6। जैसे आपके एक एग्जांपल लिया मैंने, यदि कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4, इसमें एडिशन ऑफ 5 मतलब प्लस 5 में एस की अपने संक्रिया दे रखा है, ये आपका एग्जांपल पहले एक्सरसाइज में भी दे रखा है। तो ए मॉड्यूलो ऑफ प्लस फाइव बिल्कुल ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी का मान 5 से कम हो और ए प्लस बी माइनस 5 जब ए प्लस बी का मान या तो 5 के बराबर हो या 5 से ज़्यादा हो। अब इसकी अपने को ऑपरेशन टेबल बनानी है, तो आपको एडिशन की ऑपरेशन टेबल बनानी है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जैसे दे रखा है 0 1 2 3 4 लेफ्ट में भी लिखना है, रो में भी लिखना है और कॉलम में भी लिखना है। अब इसमें 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 और 0 प्लस 4 4, ये आपके आर वन रो होगी। अब 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 प्लस 3 4 हो गया और 1 प्लस 4 5 5 नहीं होता नहीं है, तो वापस अपने 1 से स्टार्ट करते हैं तो आपके आएगा 0। इसी टाइप से 2 प्लस 0 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 5 5 का मतलब 0, 2 प्लस 4 6 6 का मतलब 1, और फिर आपके 3 प्लस 0 3 प्लस 1 3 प्लस 2 3 प्लस 3 3 प्लस 4 फिर 4 प्लस, तो इस हिसाब से आपने को निकालना है। तो अब अपने जो ये टेबल है इससे क्या अपने को रिजल्ट निकला है, यदि किसी सारणी के मुख्य वर्ण के सापेक्ष सममित हो तो वो आपके कॉम्यूटेटिव ला होगा। तो आप इसमें देखो यहाँ पे 0 2 तो करें तो एक अपने डायगनल क्या होता है विकर्ण, विकर्ण का मतलब अपने डायगनल है, तो इसके अपर और लोअर ट्राइंगुलर जो बनते हैं वो अगर अपने सापेक्ष सममित हो तो वो हमेशा ही एक क्रमणीय होगा। यदि एक पंक्ति के ऊपर की पंक्ति के संपाति हो और उस पंक्ति के सम्मुख बार के स्तंभ में अवयव हो तो वो एक आइडेंटी एलिमेंट होता है, और समुच्चय का कोई अवयव उत्क्रमणीय होगा यदि सारणी में उसके संगत पंक्ति या स्तंभ में तत्समक अवयव स्थित हो। अब मैंने जैसे एग्जांपल आया है आपके एक आर में स्टार या बाइनरी ऑपरेशन निम्न संक्रिया परिभाषित है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब क्रमणी में वह साचर्य था कि जांच कीजिए, तो यह आपके ट्वेल्थ में भी था इस टाइप के बाइनरी ऑपरेशन में, तो अपने को पहले किस में बताना है कॉम्यूटेटिव ला बनाना है, तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, हमें पता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये लागू होता है, तो ए प्लस बी को बी प्लस ए लिखा और ए बी को माइनस बी ए लिखा तो आपके हो गया बी स्टार ए, अर्थात ये कॉम्यूटेटिव ला सेटिस्फाइड है। फिर इसी प्रकार अपने को निकालना ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस स्टार सी, फिर ये ए मानेंगे ये बी मानेंगे, इस प्रकार ये दोनों लेफ्ट और राइट। फिर आपके आता है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो तो ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है कि ए बिलोंग्स टू आर, तो जीरो स्टार ऑफ ए बराबर ए प्लस स्टार ऑफ जीरो बराबर ए प्लस जीरो माइनस जीरो डॉट ए ए, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ए है। अब आपको करें इसका इन्वर्स एलिमेंट निकालना है, तो ए स्टार ऑफ एक्स मान लिया हमने इसका एलिमेंट, तो ए स्टार एक्स ले लो चाहे एक्स स्टार ए लो तो इसके बराबर जीरो, तो ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू बी की जगह एक्स पुट कर दो तो एक्स बराबर ए अपॉन वन ए माइनस वन बिलोंग्स टू आर। तो ये आपको कौन सा, ये आपके आगे एक्सरसाइज में जब सवाल आएंगे तो उसमें कैसे निकाला है उसके नियम बताए मैंने, अर्थात ए इन्वर्स का मान हो गया ए अपॉन ए माइनस वन। फिर लास्ट इसमें आपके एग्जाम्पल आता है, तो आपको एक टेबल दे रखी है इसमें एलिमेंट दे रखे हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर, या एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर शून्यतर वास्तविक संख्याओं का सेट आर जीरो पर निम्न प्रकार का परिभाषित है, एफ वन एक्स बराबर एक्स है, एफ टू एक्स बराबर माइनस एक्स है, एफ थ्री एक्स बराबर माइनस वन ओपन एक्स है, एफ फोर बराबर वन ओपन एक्स है, कि आपको संयुक्त सारणी मतलब कंपोजिट टेबल बनानी है। अब कंपोजिट फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन आपने पढ़ा है एफ ओ जी बराबर एफ ओ जी एक्स या जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ एक्स,
तो उस हिसाब से जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है x बिलोंग्स टू r है, जीरो है, तो f1 वन ओ एफ टू एक्स, तो f1 एफ टू एक्स का मान रखा, एफ टू एक्स का मान माइनस एक्स है, तो f1 वन ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ गया, तो एफ टू एक्स। तो आपकी इसकी कंपोजिट नहीं बनानी है, तो वही वो कंपोजिट का फंक्शन को डिफाइन करते हैं ओ से, एफ1 एफ टू एफ थ्री एफ फोर, और ये टेबल बनाइए। ये क्वेश्चन अपने यहाँ पे फोर का दे रखा है, ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। तो अभी जो मैंने बताया है बाइनरी ऑपरेशन, फिर इसके बाद में कॉम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला, इस प्रकार ये सारे के सारे रूल्स बताएं, इनको आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये जो मैंने छोटे पार्ट में करके किया है, ये इस चैप्टर का बेसिक बताया है आपको। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो अपने जब क्लासेस शुरू होगी उसमें। थैंक यू।